अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सेल्स की डेफिनेशन को हम सबसे पहले देखते हैं। व्हेन द गुड इज़ सोल्ड इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट ऑफ सम काइंड, जब आप कोई चीज़ बेचते हैं इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट ऑफ सम काइंड और उसके बदले में आपको कोई पेमेंट मिलती है, पैसे मिलती हैं, तो वो सेल्स होती हैं। ये सिंपली सेल्स की डेफिनेशन थी। टाइप्स ऑफ सेल्स में सेल्स की टू टाइप्स आ जाती हैं, कैश सेल्स आती हैं और दूसरी होती है क्रेडिट सेल। कैश सेल्स में क्या होता है, व्हेन द गुड आर सोल्ड फॉर कैश दे आर कैश सेल, जब आप कस्टमर को कोई चीज़ बेचेंगे और वो उसके बदले में आपको कैश दे देगा, उसी वक्त पेमेंट कर देगा, तो वो होंगी कैश सेल। क्रेडिट सेल में क्या होगा, व्हेन द गुड आर सोल्ड बट पेमेंट मेड बाय कस्टमर इन फ्यूचर, आप कस्टमर को कोई चीज़ बेचेंगे लेकिन कस्टमर उसकी पेमेंट उसी वक्त नहीं करेगा बल्कि फ्यूचर में वो आपको इसकी पेमेंट करेगा, तो वो होंगी क्रेडिट सेल। सेल्स को पढ़ने के बाद हम जो आते हैं सेल्स रिटर्न पे। सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इन वर्ड भी कहते हैं। व्हेन यू सोल्ड समवन अ गुड एंड इट इज़ फाउंड डिफेक्टेड टू द कस्टमर, दे रिटर्न दिस गुड टू यू, इट इज़ कॉल्ड सेल्स रिटर्न। जब आप किसी कस्टमर को कोई चीज़ बेचते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कस्टमर को शूज़ बेचे हैं और उसका साइज़ जो है वो छोटा हो गया, तो वो जो शूज़ हैं वो आपको वापस जो है वो रिटर्न कर देगा, तो इसे हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। आपने कस्टमर को एक चीज़ बेची थी, वो कस्टमर के पास चले गई, अब कस्टमर के पास से वो चीज़ वापस आपके पास आई है, इनवर्ड आई है, इसलिए जो है वो इसको हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं।